क्यों कर दिए हम वीडियोस, ताकि लोग ना नीचे हम क्या देख रहे हैं कि लोग बोल रहे गुरु जी हमने आपसे बात करने, लोग बोल रहे हैं मैं आपको गुरु जी से बात करवा देता हूँ, अपने नंबर डाल रहे हैं नीचे ताकि कोई किसी से फ्रॉड ना कर सके, इसलिए हमने कमेंट्स ही ऑफ कर दिए ताकि कोई किसी से फ्रॉड ना हो सके। अब लोगों को हमने 70 बार ये कह रखा है कि हमारे नंबर का सिर्फ एक ऑफिशियल नंबर है, इसके सिवा दरबार का कोई भी नंबर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हमारे पास फोन चलाने का टाइम ही नहीं है। चक्कर ये है कि मैं तो महीने में अगर किसी का जवाब दे दूं, चेले बाड़कों से भी, अब ये मेरे चेला है, 2 महीने में मेरी बात हुई है जिससे, जगराते के बाद अब मैं शक्ल देख रहा हूं इसकी, मैं 2-2 महीने में इन बच्चों का जवाब नहीं देता, टाइम ही नहीं होता मेरे पास। अब तुम किसी और के थ्रू, जब मैंने डायरेक्टली नंबर दे रखा है और डायरेक्टली मैंने एड्रेस दे रखा है कि ये एड्रेस है भाई, ये दरबार का भी पहुंच जाओ मेरे पास, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और दरबार की कोई ऑनलाइन सेवा उपलब्ध नहीं है, बात खत्म। ये नहीं है कि मैं किसी के साथ 24 घंटे फोन पे लगा रहता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता है फोनों का, अगर लगा रहो तो पता नहीं क्या 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 ऐसे क्या बना के खड़ जाऊं मैं, तो टाइम ही नहीं है मेरे पास। और ये जो जिस व्यक्ति का तुमने नंबर दिया है 86190, ये किसी भी प्रकार से हमारा नंबर नहीं है, ना इससे दरबार का कोई लेना देना है। और ये जो नंबर तुम बोल रहे हो ना, ये ले ये प्लस, अब ये इसका मतलब क्या, डायरेक्टली सारे मैसेज हमारे नंबर से आ गए, देख ये स्कैम इस प्रकार से हुआ है, इस व्यक्ति ने अपने ही नंबर को हमारे नाम से सेव करके ये बोला कि उन्होंने ऐसा बोला है, और असल में क्या है कि दरबार का जो ये नंबर है वो जल्दी से कोई उठाता ही नहीं है। 86 99 40 21 26 ये दरबार का एक नंबर है सिर्फ, इसके सिवा और कोई नंबर नहीं है दरबार का, है ना, और ना ही दरबार पे कोई भी फोन पे कोई बात की जाती है दरबार में, ना ही किसी से जो है मतलब इतना टाइम होता दरबार वालों के पास, इसके सिवा कोई नंबर नहीं है, इसके सिवा दरबार का कोई लेना देना नहीं है। अगर ये है, अगर इससे जवाब आया सेवादारों का कभी तो आया, नहीं आएगा नहीं, चक्कर ये है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमसे डायरेक्टली आके मिलो, हमारी कोई ऑनलाइन सेवा उपलब्ध नहीं है, हम ही आया मंदिर के लिए तक सीमित, हम बिल्कुल हम सीधे बोले से इंसान हैं, हम बिल्कुल जो है सबके सामने हैं, बिल्कुल सीधा क्लियर से हैं, स्पष्ट हैं बिल्कुल, हम बिल्कुल हमारा कोई इन सब चीजों से लेना देना नहीं है। अब मान ले यहाँ पे इस नाम से अगर सेव कर ले इसको, नंबर के बजाय, नाम के बजाय नंबर से सेव कर ले, तो दैट मीन्स ये जितने सारे मैसेज हुए हैं तो इसी नंबर से हुए हैं, तो अपने नंबर से, तो क्या आपके अंदर बुद्धि नहीं है? नहीं, उसने ये दर्शाया कि मेरी उनसे इस नंबर पे बात हुई है, हमारी किसी से कोई बात नहीं होती, मतलब स्कैम हुआ है, हमारा ये नंबर ही नहीं है असल में, तो ये जो नंबर है ना 86 वाला, ये नंबर ही हमारे पास नहीं है, ये मंदिर का ऑफिशियल नंबर है और मंदिर कमेटी इसका हैंडल करती है, मैं इसका हैंडल नहीं करता हूँ, मैं ये भी क्लियर कर दूं, मेरा पर्सनल नंबर कोई और है जिसको मैं 2-2 महीने फोन ऑन करके नहीं देखता, जिसका आया समझ, अभी भी मैं अपने व्हाट्सएप मैसेज दिखा दूंगा ना, इवन मेरे शिष्य बच्चों तक के भी हैं, इवन मेरे फ्रेंड्स के भी हैं, हमारे भी फ्रेंड्स हैं, उनके मैं 2-2 महीने तक मैं मैसेज नहीं चेक करता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, चक्कर ही है मेरे को ना, ये मेरे को ऐसा लगता है कि फोन पे टाइम वेस्ट करने के बजाय ना इंसान को प्रैक्टिकल में ज्यादा रहना चाहिए, इसलिए मैं प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा रहता हूँ, मैं फोनों का इतना इस्तेमाल नहीं करता मैं, जो चक्कर ही है मेरे, तो ये वीडियोस भी अपलोड होती है ना, ये भी चले बच्चे बनाते हैं, मैं खुद नहीं बनाता, अपलोड भी ये लोग करते हैं, मैं नहीं करता, मेरी सच्चाई ये है, अगर मैं कभी अगर आया ना, तो अगर कभी लाइव हुआ तो वो अपनी मर्जी से हो गया तो हो गया, अगर लाइव आ गया जब मेरे पे टाइम हुआ, अपने लिए आधे घंटे का टाइम हो गया मेरे लिए, तब मैं थोड़ा बहुत आ गया, नहीं अदरवाइज मैं, मेरे पास मेरा फोन से कोई लेना देना ही नहीं है, मेरे 2-2 महीने तक मेरे फोन पड़े रहते हैं। तो जो बंदा ये आके बोले कि मैं गुरु जी से बात करवाऊंगा आपकी, सीधा सर फ्रॉड है, क्योंकि मैं अपने बाप से भी बात नहीं करता 2-2 महीने, चक्कर ये है जो सच्चाई है, ये सच्चाई है कि मैं किसी से 2 मिनट भी बात नहीं करता फोन के ऊपर, क्योंकि मैं इरिटेट हो जाता हूँ फोन पे बात करने से, मुझे लगता है कि मैं किसी के साथ भकाई मार रहा हूँ, सिंपल स्पष्ट है, महामाई का दरबार है, डायरेक्ट मेरे से आके मिलो, मुझे किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, ना ही मैं फॉर्मेलिटियों के चक्करों में मैं पड़ता हूँ, और ना ही मेरे पे इतना टाइम होता है, फोन पे मैं तुझे क्या बताऊंगा जब मेरे पास रिपोर्ट ही नहीं है तेरी, डॉक्टर क्या करता है रिपोर्ट देख के दवाई देता है, जब मेरे पास रिपोर्ट ही नहीं पता, गुरु जी मेरा ये नाम, मुझे ये दुख है भाई, मुझे ये पता, मुझे ये नहीं पता जब तू कौन है, मैं तेरे बारे में क्या बता सकता हूँ, तू यहाँ सामने है मेरे, सब कुछ सही है, तू घर पे बैठा है, बैठा रहा भाई, जो अपने लिए नहीं आ सकता, जो अपने लिए मेरी माँ के चरणों में नहीं आ सकता, वो ये मुझसे ये आस कैसे रख सकता है कि मैं उनके लिए अपना जो है कीमती टाइम निकालूंगा, हर को जब कोई अपना टाइम नहीं निकाल सकता तो मैं अपना टाइम उनके लिए क्यों निकालूं, क्योंकि मेरे टाइम की कीमत है, मेरे पास टाइम नहीं होता, चक्कर ही है, मैं अपनी पूजाओं में ज्यादा व्यस्त रहता हूँ, मैं इन फालतू चक्करों में मैं नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल स्पष्ट सा इंसान हूँ, बिल्कुल क्लियर सा इंसान हूँ, जो कुछ है मैं जबान के ऊपर जो रूम, जबान कड़वी हो सकती है लेकिन मेरे मन बिल्कुल दूध की तरह साफ है, बिल्कुल मन में मैं कुछ नहीं रखता, जो कुछ मुंह पर बोल दूंगा मैं, तभी तो मेरे को टेंशन नहीं होती, बट तो बढ़िया नींद आती है मेरे को, क्योंकि मेरे सिर पर कोई टेंशन नहीं है किसी की भी, ना मैं कभी लेता किसी की, फिर ये पंडित के लोग बैठे हैं, लोग जी गुरु जी जितने पॉडकास्ट वाले मीडिया वाले गुरु जी आपसे बात करना चाहते हैं, मैंने कहा बात करना चाहते हैं, मंदिर खुला है आओ, बात खत्म, अभी इतने पहले बैठे हैं या आए बैठे हैं कि इनका क्या घर परिवार नहीं है,
इनके बच्चे नहीं है, ये बताओ जरा, ये भी अपने लिए आए हैं, अपना टाइम काट के आए हैं, तो माई के चरणों में आके पड़ गए, माई अपने आप देख लेगी, सुमट लेगी अपने आप से, माई भी तो नहीं कि जो है मदद करेगी, जो अपनी मदद खुद करेगा, एक कदम तो तुम्हें भी बढ़ाना पड़ेगा, हर कदम माई थोड़ी बढ़ाएगी। अभी ये भी तो आए, इनका भी घर है, इनका भी परिवार है, इनका भी बच्चे है, इनके भी बिजनेस है, सब कुछ है। अगले पता नहीं कोई कितना जो है अपने जो है लाखों रुपए का बिजनेस छोड़ के यहाँ बैठा होगा, कोई करोड़ों रुपए का बिजनेस छोड़ के पता नहीं यहाँ बैठा होगा, कोई बच्चे छोड़ के बैठा होगा, कोई बुढ़े माँ बाप लाचार माँ बाप छोड़ के बैठा होगा, ये कौन सा अपने जो है छोड़ के नहीं बैठे हुए, बताओ भाई। अगर ये बैठे है तो इन आए बैठे, इनकी यात्रा तो आधी तो सफल इनके रोग यही कट गए हैं, हम चाहे मिले ना मिले ये तो बैठी है, आधे तो रोग इनके यही कट गए हैं, ये समझ ले। क्यों इनकी जो ये यात्रा है ना, जो कोई ट्रेन में धक्के खा रहा है इतनी गर्मी के टाइम में, कोई बसों में धक्के खा रहा है, कोई कैब ले रहा है, कोई यहाँ वहां जो धक्के खा रहा है, सवेरे के निकल रहा है, कोई भूखा निकला है, कोई तिसाया निकला है, कोई क्या निकला है, कोई बच्चे छोड़ के निकला है, आदि तो इनका जो है मूल्य यही पड़ गया इनका। तो मूल्य सिर्फ पैसों से नहीं पड़ा करता किसी चीज का, कोई पैसा मेरे को क्या दे देगा, लेना हो तो पता नहीं कितना ले लूं मैं, पैसों से मूल्य नहीं पड़ा करता, मूल्य पड़ता है उस भाव से जो तुम जिस भाव से तुम मंदिर में आते हो, जैसा भाव आके इसके चरणों में दोगे वैसा फल तुम्हें दे देगी ये। आदि तो इनकी जो है जो जो इनके कष्ट यही कट गए, ये यहाँ बैठे क्यों छोड़े हैं, अपना छोड़ के बैठे हैं ना, चाहे 10 मिनट के लिए छोड़ के, चाहे 1 घंटे के लिए छोड़ के, चाहे 2 दिन के लिए छोड़ के अपना संसार आया ना, अपना अपने संसार को ठीक करने के लिए। तो माँ तो उनके जो है जो है दुखों को समझती है, जो अपने दुख को खुद माँ के जोड़ी में ला के गिरता है। घर बैठे किसका कल्याण हुआ भाई, घर बैठे किसी को आराम नहीं मिला। और यही चीज जो है मेरी जो है मैं अप्लाई करता हूँ लाइफ में, कि मैं घर बैठे लोगों से मैं बात नहीं करता, मैं वेले समझता हूँ लोगों को, वो खुद तो जो है उनका उनका टाइम जो है वो उनका खुद तो वो वेले लोग हैं, वो समझते हैं कि हमारे टाइम की कीमत, जब उनको अपने टाइम की कीमत का पता है तो हमारे टाइम की कीमत का क्या मूल्य निकाल लेंगे, वो हमारे जितने तो कोई बिजी भी नहीं होगा तो हम क्यों अपना टाइम निकालें, अगर हम हमारे पास टाइम होगा भी ना हम तब भी बात नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए, हम क्यों बात करें, किस चीज़ के लिए बात करें, जो अपने लिए नहीं झुक सकता मेरी माई के आगे मैं उनके लिए क्यों झुकूं भाई, जो आ रहा है मेरी माई का वो मेरी माई का, बात खत्म। ये मेरी माई की संगत है, मेरे को जान से प्यारी है, क्यों, क्योंकि ये मेरी माई के लिए आई है, धक्के खा के आई है, इनके आधे मूल्य तो जो है मेरी दृष्टि में ही है, तभी मैं आई संगत का मैं पूरा मान कर रखता हूँ, मैं पूरे चीज में मैं आई संगत की बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, क्यों, क्योंकि इनका आधा मूल्य यहाँ पड़ता है। लेकिन जो घर पे बैठ के बोले जी मेरे पे तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो रोज ही अपनी प्रॉब्लम है, मुझे क्या लेना देना तुम्हारी प्रॉब्लम से। कोई ऐसा दुखिया हो, कई लड़कियां ऐसी होती है जो बेचारी प्रेग्नेंट है, नदी नहीं निकल सकती, समझ सकते हैं कोई बात नहीं, दुखिया है, जच्चा बच्चा की तो सभी को मदद करनी चाहिए। कोई ऐसे है जिनका कोई लार टूट रही है, कोई पैरालिसिस पे पड़ा है, कोई वेंटिलेटर पे पड़ा है, ऐसे बेचारे जो है ही नहीं कहीं आन जान जोगे, आप उनका समझ सकते हैं, चलो उनके लिए 10 मिनट निकाल ले, मैं समझता हूँ ठीक है। लेकिन जो ठाडा सांड बिल्कुल तेरे जैसा मुस्टंडा कोई, वो बोल लिया करके कि वहां मतलब मैं घर पे बैठा हूँ जी, मेरा बिजनेस है जी, मैं आ नहीं सकता, मैं आपको रुपये दे दे रहा हूँ, लो नू कितना रांड समझ रखा है कि मेरे को कोई सोचा है कि रंडी हूँ मैड है बैठा हुआ, यहाँ रुपये फेंको अगर मैं नाचूंगा तुम्हारे आगे, या तो हम बिल्कुल महंगे हैं या बिल्कुल सस्ते हैं, सीधी सी बात है, या तो फिर इस मामले में बिल्कुल हमारे रेट आई है दुनिया मांगते हो, फिर तो 51,000 रुपये में भी ना बात करूं, फिर तो मैं या तो मैं बिल्कुल महंगा हूं या फिर मैं जमी सस्ता हूं इस मामले में, या करूंगा तो बिल्कुल सस्ते में काटूंगा, और जब करूंगा नहीं तो बिल्कुल महंगा हूं फिर तो इस मामले में मैं, कोई ठाडा हो ना बिल्कुल बिल्कुल सही सलामत है, नौजवान छोरे हो तुम तो बढ़िया, दिन में 70 गेड़े मरवा ले तुम्हें क्या दिक्कत है, अगर ये बुढ़ी माता है इनका भी हम समझे, ये कौन सा आनी रही है बता जरा, इनका भी घर परिवार है, इस उम्र में कम से कम इनसे माड़ी मोटी शिक्षा ले लो, इस उम्र में ये देखो वो ये बूढ़ी माता है, वो बूढ़े बापू हैं, कितने बैठे हुए हैं बेचारे, ये भी अपने छोटे छोटे करके छोटे छोटे बच्चे हैं देख ले, जिनका नहीं सरता बेचारे साथ भी लगते हैं क्या करे, तो मूल्य तो यही पड़ता है। तुम ये सोचो कि ऐसे जो फ्रॉडों के चक्करों में तुम पढ़ के हमें पालोगे, हमें नहीं पा सकते। मेन मकसद ये था अपने मकसद की मार गोली बत्ती बना और अपने कान में जो डाल ले अपने, मेरे से मिलने के लिए किसी ब्रोकर किसी दलाल की जरूरत नहीं है, मैं सीधा बोलता हूँ मेरे और मेरी माता की संगत के बीच में किसी दलाल का कोई काम नहीं है, मैं सीधा मेरी माँ के जो है संगत के लिए दिन रात खड़ा हूं, मैं दिल खोल के जो है मेरे हाथों से स्वागत है मेरी माता की संगत का, इसके बीच में कि तुम्हें किसी दलाल को डालने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हें बोले कि कोई तुम्हें मुझसे मिलवा देगा, किसी के बाप की जो है औकात नहीं है कि कोई मुझसे मिलवा दे, अगर मेरा बाप भी मेरे को बोले ना कि फलाना आया बैठा है कि वो मिलना चाहता है, मैं जूते मार दूंगा उस आदमी के मुंह पे, क्योंकि वहां पे वो नहीं, ये माँ बाप मेरे ये बैठे हुए हैं, ये इसके लिए है, मेरे लिए कोई नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मेरी क्या औकात है, मेरे से 4 गुना ज्यादा उम्र खाए बैठे होंगे यहाँ, मेरी क्या औकात है, इसके लिए आए इसलिए मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ, सीधी सी बात है, और करता रहूंगा सारी जिंदगी, और मेरे और मेरी माता की संगत के बीच में किसी दलाल का कोई काम नहीं है,
क्योंकि वहां पे तुम्हारी डिजायर्स तुम्हें ये काम करने के लिए जो है मजबूर करती हैं, क्योंकि तुम लोग माध्यम अपनाते हो इस चीज का कि मुझे रास्ता मिल जाएगा। ये इतने लोग बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं, ठीक है, ये सोचते कोई जल्दी हो जाए, घर जाना है भाई, सबका है घर, सबका है भाई, अपना छोड़ के आए तो अपना आराम से बैठो, चार घंटे बैठ भी गए तो क्या दिक्कत है, वेट कर लिया तो क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं, नंबर सबका आएगा, बारी सबकी पड़ेगी, छोड़ती किसी को नहीं है। चाहे रात के 12 बजे तक क्यों ना मेरे को बैठना पड़ जाए, छोड़ूंगा किसी को नहीं। हाँ, पेशेंस सबको करना पड़ेगा, कोई आके मेरे लिए कोई VIP नहीं है, कल को अगर कोई बड़े से बड़ा आके खड़ जाए ना यहाँ, मैं मूल्य नहीं पाऊंगा, मैं उनका मूल्य पाऊंगा जो यहाँ बैठे हैं, मेरे लिए उसका मूल्य ज्यादा है जो सुबह से आके बैठा हुआ, बस भले उसके जो है जेब में 2 कौड़ी ना हो, मेरे को तो जो है ये माता के मंदिर बनाने के लिए सबसे सेवा की मांग करता हूँ मैं तो, क्यों मैं कहाँ से मेंटेन कर लूंगा, कल मैं कर ही नहीं सकता, सीधी सी बात मेरे अंदर साथ देता नहीं है, सिंपल सी बात है, मैं कहाँ से कर लूंगा बताओ जरा, अकेला इंसान क्या कुछ कर लेगा बताओ जरा, ये तो संगत से ऊपर तो करूंगा नहीं तो मैं बैठा हूँ, अरे देना भी तो संगत को, यह मेरा क्या है, देख संगत पंखे में बैठी है, मैं बिना पंखे के बैठा हूँ, मेरी औकात ये है असल में, तो मैं तो अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ, बहुत ही छोटा समझता हूँ, लेकिन चक्कर क्या है कि मुझे लोग जो बड़ा समझते हैं वो समझे जाए, कोई दिक्कत नहीं, मेरी दृष्टि में मैं बड़ा नहीं हूँ, और मेरी दृष्टि में बड़ी ये माँ की संगत है, और मैं हमेशा संगत का सत्कार करता हूँ, इसलिए धोखेदारों से बचो, मुझसे मिलने के लिए किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं है, आधी रात को माई के मंदिर में हूँ, माई के मंदिर के दरवाजे खुले हैं, लेकिन खुले सबके लिए, किसी एक के लिए खुले नहीं है, जब माई का दरबार सजेगा तो सब संगत के लिए सजेगा, किसी एक के लिए भी नहीं सजेगा, संगत है वो सब किया, माई की है वो, या तो सब का जो एक बार में निपटारा करेगी, या तो उसकी नजर में से निगाह में सारे समान है, या कोई एक भी समान नहीं उसकी निगाह के, ठीक है ना, अगर बैठूंगा तो सबके लिए बैठूंगा, चाहे दिल्ली आते रहो, दिल्ली के 40-50 बंदे आके मुड़ जाते हैं, मुड़े जाओ मेरा क्या है, आ रहे हो तो उस दिन आओ जिस दिन मेरी माई बैठाने का मुझे हुक्म देती है, हल्ले के लिए नहीं बैठूंगा, सबके लिए बैठूंगा, मैं किसी एक का नहीं हूं, मैं सबका हूं, मेरे ऊपर सबका अधिकार है, ये मंदिर मेरी माई का है, ये सबका है, मेरे कल्ले का नहीं है, सबका अधिकार है यहाँ, कोई एक मुझे अगर बांधने की कोशिश करे मैं किसी के बंधाए में नहीं बंधाऊंगा, बस ये याद रखो, जो हो सके धोखेदारों से बचो, कोई अपने बारे में बोले, और जिसने भी तेरे साथ किया है ये सब चीज, जाके पहली बात तो अगर माई का पूत होगा जाके सीधा होकर के ना इसके ऊपर FIR दर्ज करवाएगा, जा सीधा बोलता हूँ, कुछ मत कर, साइबर सेल जा, नंबर दे, डिटेल निकलवा इसकी, पता चल जाएगा कौन किस जगह के ऊपर है, आजकल तो आधार कार्ड के ऊपर नंबर मिलते हैं, इसके फिंगरप्रिंट गवर्नमेंट के पास सारे बायोडाटा चिट्ठा पता कर कि किसने किया कि किसने नहीं किया, और वहां से अड़क में से काट के लेके आए, क्योंकि तुम्हारी मेहनत के हैं ये, और माई के नाम पे खाए हैं, ये याद रख, तो माई नहीं बख्शेगी ऐसे लोगों को, क्या भूखे मर रही है दुनिया, मेरे को तो ये नहीं समझ में आती है कि ये माई की संगत है, माई के लिए कार्य हो रहे हैं, वहां पब्लिक कितनी गिरी हुई हो सकती है, मैं तो समझ ही नहीं सकता भाई, अरे भीख मांग लो, धंधा कर लो, इससे चंगा तो मैं तो ये कहूं, चलो जाओ बैठो।